नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। खबर श्रावस्ती से जहां मामूली कहासुनी के दौरान हुए विवाद में ईंट पत्थर के बौछारें होने लगे, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना यूपी के श्रावस्ती जिले के कोतवाली भिनगा के अंतर्गत भिट्टी गांव का है, जहां पर मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से ईंट पत्थर की बारिश होने लगी। मारपीट की इस घटना में 6 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 2 घायलों की हालत नाजुक है। दरअसल भिट्टी गांव निवासी जमुना प्रसाद अपनी जमीन में नींव भरवा रहे थे। इसी बीच दूसरे पक्ष से अंगद आ गया और नींव भराई का विरोध करने लगा। मामूली का हासुनी देखते ही देखते महाभारत में बदल गई। इस दौरान ईंट पत्थर खूब चले, जिसमें एक पक्ष से जमुना प्रसाद, विश्वनाथ, कन्हई और जगन्नाथ घायल हो गए। जगन्नाथ की हालत गंभीर है, वहीं दूसरे पक्ष से अंगद, पचई और राम वृक्ष घायल फिलहाल हैं। सीओ भिनगा ने घटनास्थल का दौरा करके गाँव में शांति व्यवस्था के लिए पीएसी की एक टुकड़ी तैनात कर दी है। वहीं घायलों को 108 एम्बुलेंस के द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। हम लोग को संज्ञान में आया है, बिल्डर की गाड़ी भी आई थी, इन लोगों का जमीनी विवाद है और एक पक्ष कहना कि हमें न्यायालय में विचाराधीन है, पता करा रहे हैं। दोनों पक्ष की तरफ से 2 लोग घायल हैं, जिला अस्पताल भेजा गया है और नियमानुसार आगे वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे।